संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया प्रकरण समझाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए, और थोड़ा सा वीडियो जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक काम सफल होते हैं। स्त्री प्रकरण की बहुत मांग थी कि स्त्री प्रकरण को पूरा अच्छी तरह समझाया जाए, तो आज से हम स्त्री प्रकरण लेते हैं। स्त्री प्रकरण थोड़ा सा कठिन हो जाता है समझना और समझाना दोनों, क्योंकि स्त्री प्रकरण दरअसल जो प्रत्यय है, स्त्री प्रकरण प्रत्यय, ये प्रत्यय अकेले यूज प्रयोग नहीं होते। इनसे पहले यदि आपने और प्रत्ययों का अध्ययन नहीं किया हुआ तो इनको समझना थोड़ा सा दुरूह हो जाता है, कठिन हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा वो आपको अच्छे समझ में आए। थोड़ी सी भूमिका बता दूं, दो तीन बातें, उसके बाद सीधे सूत्रों पर चलूंगा। इसमें लगभग जो स्त्री प्रकरण में चौथे अष्टाध्याय के चौथे अध्याय के प्रथम पाद के और तीसरे वाले सूत्र से शुरू होकर के और 82 तक चलता है। लगभग इसमें 80 सूत्र हैं और 80 सूत्रों को मैं कोशिश करूंगा 5 या 6 वीडियो में पूरा समाप्त कर दूं। इसमें अष्टाध्याय से सूत्र समझाऊंगा पूरे डिटेल में, लेकिन व्याख्याएं जो शब्दों की सिद्धियां दूंगा इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, क्योंकि जो मुख्य मुख्य शब्द हैं उनकी सिद्धि देने का प्रयास करूंगा, अन्यथा की दृष्टि में ऐसे शब्दों को समझाते चले जाएंगे और बात इसमें साफ होती चली जाएंगे। स्त्री प्रकरण को जानने से पहले स्त्री प्रकरण की आवश्यकता क्या पड़ी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्यवहारिक रूप से मैंने बताया, बहुत बार बताया है कि व्यवहारिक रूप से जो चीज़ें होती चली जाती हैं और व्यवहारिक रूप से उन चीज़ों को कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उसके लिए नियम बनाने पड़ते हैं या उनके लिए पुस्तकों का निर्माण करना पड़ा, उनके लिए व्याकरण का निर्माण करना पड़ा। तो स्त्री और पुरुष और नपुंसक, ये तीनों लिंग हैं, इनको हम सामान्य रूप से व्यवहार रूप से जिनका अध्ययन कर पाते हैं, देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उनसे हटकर की चीज़ें हो जाती हैं तो फिर व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। इसमें छोटा सा एक श्लोक है, उसको देख लेते हैं। स्तन केशवती स्त्री स्याद लोमशः पुरुषः स्मृतः। थोड़ी सी बातें व्यवहार की हैं इसलिए करता चलता हूं। स्तन केशवती स्त्री स्याद लोमशः पुरुषः स्मृता। व्यवहार के रूप में स्त्री की पहचान कैसे करते हैं, पुरुष की कैसे पहचान करते हैं, तो उसमें बोला गया है कि स्तन और केशवती, यानी स्तन और केश के अतिशय से जो युक्त होती हैं वो स्त्री कहलाती हैं, अर्थात उसकी हम पहचान कर लेते हैं स्त्री के रूप में। स्याद लोमशः पुरुषः स्मृता, और लोम से तात्पर्य क्या है, यहाँ रोएं, जो बाल होते हैं शरीर पर उनकी अतिशय से जो युक्त होता है तो उसको हम पहचान कर लेते हैं कि यह पुरुष है। तीसरी बात करें उभय और अंतरम, यानी उनके बाद में ऊपर की जो दोनों व्यवस्थाएं हैं तद अभावे, यानी कि स्तन केश और लोम, ये तीनों के अभाव में हम पहचान करते हैं नपुंसक की। ठीक है, ये व्यवहारिक रूप से व्यवस्था दे दी जाती है, लेकिन इनसे भी हट करके कुछ चीज़ें हैं। मान लीजिए आपको किसी पेड़ का ही एक उदाहरण के लीजिए, आम लेना है, आम को आप स्त्रीलिंग में रखेंगे, पुल्लिंग में रखेंगे, नपुंसक लिंग में रखेंगे, इसके लिए फिर हमको आवश्यकता पड़ जाएगी व्याकरण की। पेन है ये, कलम है, इसके लिए व्यवस्था करनी हो लिंग की तो हमको व्याकरण की आवश्यकता पड़ जाएगी। बस इतनी सी छोटी सी बात है और हम इसमें और आगे देखते हैं, इसलिए हमको व्याकरण की आवश्यकता पड़ी है। और व्याकरण में भी स्त्री प्रकरण एक विशेष रूप से व्यवस्था दे दी है पांडे जी ने। तो स्त्री प्रकरण में कितने प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है, सूत्रों को तो मैंने बताया, लगभग 80 सूत्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन प्रत्यय कितने होते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं।
टाप डाप चाप। त्रिवप्येते गीप गीश गीम प्रत्ययी सह। ठीक है, टाप टाप चाप त्रिप्यप्येते गीप गीश गीन प्रत्ययी सह। ओम तिभ्याम मिलिता चापि। संत्यष्टौ प्रत्ययः स्त्रियां। तो ये इसमें श्लोक बोला गया है कि टाप ढाप चाप स्त्रियो अपेते गीप गीश गीन प्रत्यय सह मूंग ऊं तिभ्याम मिलिताश्चापि संत्यष्टो प्रत्यय स्त्रियाम। अर्थात एक टाप ढाप चाप गीप गीश गीन ओम ती। ये आठ प्रत्ययों का विधान स्त्री प्रकरण में किया जाता है। टाप ढाप चाप गीप गीश गीन ओम और ती, ये आठ प्रत्यय हैं जिनका विधान स्त्री प्रकरण में किया जाता है। इनको विस्तृत रूप से जानने के लिए हमको सूत्रों के ज्ञान की आवश्यकता है। मैं कुछ कुछ सूत्र यहाँ पे बताऊंगा। आज लगभग 10 से 12 सूत्रों का अध्ययन करेंगे और 10-12 करके हम कोशिश करेंगे ये 6-7 वीडियो में सारा प्रकरण समाप्त हो जाए और हर एक वीडियो में कम से कम एक या दो शब्दों की सिद्धि देने का प्रयास करूंगा, जिससे स्त्री प्रकरण सही से मस्तिष्क में बैठ जाए और आज के बाद तुम्हें ऐसा ना लगे या किसी को भी ऐसा ना लगे कि स्त्री प्रकरण बहुत ही ज़्यादा कठिन सा है। ठीक है, तो ये आपको प्रकरण ये श्लोक भी याद कर लेना है। मैंने इसे लिख दिया है कि जिससे कि आपको सरल हो जाए थोड़ा सा, कि आठ प्रकार का भी पूछ लेता है कि स्त्री प्रकरण में कितने प्रकार के प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं और ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि कौन से अष्टाध्यायी में कौन से अध्याय में ये प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि जो तीसरा वाले तीसरे सूत्र से शुरू होता है और सूत्र होता है इसमें स्त्रियां। ठीक है, चौथे पे हुआ अजाद्यतष्टाप। इन तीन से पहले दो सूत्र और बोले गए हैं, उनको भी मैं लिख देता हूं क्योंकि उनकी सिद्धि में बड़ी आवश्यकता पड़ती है। पहला है ज्ञान प्रातिपदिकात, ज्ञान प्रातिपदिकात, और दूसरा सभी जानते ही आप सुऔजस अमौटस टाभ्याम्भेस गेम्भ्याम्भेस। ये जो प्रत्यय हैं सुआदि उनका वो वाला सूत्र है। ठीक है, ये दो सूत्र पहले पढ़े गए, उसके बाद तीसरा ये है, चौथा ये ऋण्यभ्यो गीप, पांचवा उगितश्च, सातवा वनोरचा, आठवां टाब्रिची।
नाम पादो न्यत्तरस्याम। दसवा मनहा। ग्यारहवा अनो वहुव्रीहे, ठीक है। और बारहवा है डाबू भाभ्याम अन्यतरस्याम। मैं इनको थोड़ा सा आपको एक बार व्याख्या करके बताऊंगा और ये देख लेते हैं कि ये कभी कभी गलत हो जाती हैं चीज़ें, इसको थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आ जाएंगी। स्त्रियाम अजय दस दस टापनिष गतिश्च वनोरा चार टाप रिचि। देखो थोड़ी सी गलती हो गई है, जो टाप रिचि है वो ऊपर ना आकर के नीचे आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आठवां स्थान इसका रहेगा, इसको मिटा ही देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है ना। पादो अन्य तरस्याम यहाँ पे आ जाएगा और नमे पे स्थान पर आ जाएगा टावरिचि। एक सूत्र इसमें छूट गया है, न षट स्वस्त्रा दिभ्या, ठीक है ना। ग्यारहवा है मनहा और बारहवा है अनु बहुव्रीहे, ठीक है। और तेरहवा हो गया डाबू भाभ्याम नेत्रस्याम, ठीक है। फिर एक बार देख लेते हैं। एक बार मैं बोल दूं तो आपके सही से दिमाग में बैठ जाएगा ये। स्त्रियाम अजाद्यतष्टाप ऋण्यभ्युंगी उगतिश्च वनोराचा पादो अन्यत्रस्याम टाबृचि ना षट स्वसादिभ्य मनहा अनुबहुव्रीहे डाबुभाभ्याम अन्यत्रस्याम। ये 10-12 जो सूत्र हैं आज उनकी थोड़ी सी व्याख्या करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको सही से पूर्ण रूप से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातें जानते चलें। यह अधिकार है, अर्थात ही अधिकार सूत्र के अंतर्गत माना जाता है। स्त्रियाम जो है वह अधिकार सूत्र के अंतर्गत माना जाता है। इसकी बैटरी थोड़ी सी लो हो गई है तो मैं इसको थोड़ा सा चार्ज कर लूँ, उसके बाद ये मैं दोबारा से बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ये मैंने कुछ चीज़ें सुविधा के लिए लिख ली हैं, ये मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा हम इसमें अध्ययन कर लें। इसकी बैटरी मैंने रिचार्ज की है, चार्ज किया है, उसके बाद में फिर मैंने ये समय मिला तो थोड़ा सा मैंने ये लिख दिया है, क्योंकि उदाहरण देने में बहुत समय लगता है। मैंने संपूर्ण उदाहरण लिख डाले हैं, जो कुछ मैं आज समझाने की कोशिश करूँगा जल्दी से मैं शुरू कर रहा हूँ। ये स्त्रियाम जो है सूत्र, ये अधिकार सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि इसके बाद के यानी कि यहाँ नंबर यहाँ से यानी 4-1-3 से लेकर के 4-1-82 नंबर सूत्र तक इस स्त्रियाम सूत्र का अधिकार जाता है, अर्थात उससे आगे जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे वो सब स्त्री लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे, स्त्री प्रकरण में गिने जाएंगे, ये इसका तात्पर्य हुआ, ठीक है। इससे पहले भी ये भी ज्ञांग प्रातिपदिकात भी एक क्या है, ये भी अधिकार सूत्र है, ठीक है।
हालांकि ये सब इसी सूत्र के अधिकार में आ जाते हैं, फिर भी स्त्रियाम एक अलग से अधिकार माना गया है। वो इसका क्या तात्पर्य है, इसको मैं जब सिद्धि बताऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। ये जो सूत्र है वो कहता है कि अज अदंत आजादी अदंत जो शब्द होते हैं उनसे टाप प्रत्यय होता है, ठीक है। अज आदि एक गण है, एक गण से तात्पर्य क्या होता है मैंने कई बार बताया है वीडियो के माध्यम से, और एक बार फिर और आपको बताता चलूँ। गण से तात्पर्य होता है जब पूर्ण रूप से एक ही चीज़ में इकट्ठी कर दी जाए कुछ चीज़ें और उससे एक ही प्रत्यय का विधान कर दिया जाए, तो वो उन गणों का निर्माण करना पड़ा, उसमें बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। अंधा की दृष्टि में फिर ढूंढते फिरेंगे कि कौन सा जो शब्द है, नहीं तो अगर ये आजादी गण है, इस तरह के गणों का निर्माण नहीं करते तो बहुत सारे सूत्रों का निर्माण करता हो सकता है इसमें। अभी तो 4000 ही सूत्र हैं, लाखों सूत्रों के करीब पहुंच जाते, तो पाणिनि जी ने उनको गणों के रूप में इकट्ठा करके अलग सूत्रों का निर्माण कर दिया है। तो आजादी गण में बहुत सारे ये शब्द आते हैं, ऐसे ही अदंत है, अदंत में जितने भी अदंत हैं, अदंत का मतलब अत जिनके अंत में हो, ऐसे शब्दों से सीधे सीधे टाप प्रत्यय हो जाता है। आजादी भी टाप प्रत्यय के अंतर्गत ही आता है, अदंत भी टाप प्रत्यय के, लेकिन आजादी जो है वो भी अदंत ही है एक तरह से, लेकिन फिर भी उनको अलग से क्यों रखा गया, इसके लिए कारण है। थोड़ा सा इनके उदाहरण देख लीजिए, जैसे इसमें चलो इसमें बता दूं फिर उसमें चलेंगे। आजादी से तात्पर्य है जब अज से शुरुआत होने वाले जो गण हैं, तो इसमें पहला जो शब्द है वो अज है, और अज में जब टाप प्रत्यय लग जाता है तो अनुबंध लग हटाने पर वो अजा बन जाता है, ठीक है। तो ये आजादी गण के अंतर्गत माना गया है। अब इसमें बहुत सारे सूत्र शब्द आते हैं, जैसे अजा, एडका, कोकिला, चटका, अश्वा, मूषिका, होड़ा या होड़ा, बाला, मंदा, बिलाता, वत्सा। दो एक शब्द और भी हैं इसमें, तो वो मैंने छोड़ दिए हैं, उसको जब अध्ययन करें आप डीप में जो अध्ययन करना चाहते हैं वो उसमें अध्ययन कर सकते हैं जाकर के। अज अजा एडक में टाप प्रत्यय लगा, एडका, कोकिल कोकिला, चटक चटका, अश्वा, मूषिक मूषिका, बाल बाला, होड होड़ा, मंदा मंदा, बिलात बिलाता, वत्स वत्सा, इस तरह से प्रयोग हैं। अब इसमें जो वत्सा है या बाला है, इनमें वयसी प्रथम एक सूत्र है, उसके द्वारा अलग प्रत्यय का विधान कर दिया जाता, इसलिए उस सूत्र को रोकने के लिए आजादी शब्द का निर्माण करना पड़ा, अर्थात आजादी सूत्र का निर्माण करना पड़ा कि इनसे केवल और केवल टाप प्रत्यय होगा, वैसी प्रतिमा सूत्र वाला इसमें प्रत्यय नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये इसका तात्पर्य है। ऐसी अदंत है, अदंत से भी अत जिनके अंत में है, जैसे मेद है, मेद आ जिसके अंत में हो, तो मेद का मेदा हो गया। सर्व है, सर्व का सर्वा हो गया, टाप प्रत्यय लगने से ये बन जाते हैं। तो इसमें देखो, मेध मेधा, सर्व सर्वा, धनिक धनिका, कृत्रिम कृत्रिमा, गंग गंगा, गत गता, इस तरह से ये प्रयोग किया गया है। कारक कारिका, नाटक नाटिका, बालक बालिका, अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका, इसमें सभी में टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। याद रखना है, अध्यापिका, गायिका, कारिका, नाटिका, है ना, इनमें दिमाग में बिठा लो सही से टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया। अब इसको मैं इनकी सिद्धि बताऊंगा, क्योंकि इसमें कारक का कारिका ई कैसे बदल गया है ना, ई कैसे बन गया, इसके जब सिद्धि समझाऊंगा तो समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो ये इसमें टाप प्रत्यय का विधान कर दिया जाता है। तो मैंने इसके उदाहरण लगभग इसलिए लिख लिए थे कि इसमें समय ना लगे, और ये बहुत सारे उदाहरण होते हैं, बार बार इनको लिखना बड़ा कठिन हो जाता है, तो यहाँ पर सब उदाहरण हैं। ऋण्यवेगी से तात्पर्य क्या होता है, ऋकारांत और नकारांत जो शब्द होते हैं उनसे भी, उनसे क्या होता है,
ङि प्रत्यय होता है, ठीक है। रण्यभ्यो ङीप कह रहा है ऋकारांत और नकारांत जो शब्द हैं उनसे ङि प्रत्यय होता है। ऋकारांत शब्द कौन से होते हैं? जैसे हमने जानते हैं कर्त्री है, हर्त्री है और बहुत सारे हैं, मात्र वगैरह जितने भी ऋकारांत शब्द हैं, री जिनके अंत में आए वो सब ऋकारांत शब्द के अंतर्गत आते हैं। नकारांत शब्द कौन से होते हैं? जैसे दंडेन है, नकारांत है, दंडेन शब्द है, ये ना से अंत हो रहा है, री से अंत हो रहा है, इसीलिए ऋकारांत है। तो इसमें जैसे ही ङी प्रत्यय लगे ना लगेगा तो ये कर्त्री बन जाएगा। ऐसे ही दंडेन में जब ङी प्रत्यय लगेगा तो ये दंडिनी बन जाएगा, ठीक है। कर्त्री दंडिनी ये दो रूप बन जाएंगे, इसी तरह से ये प्रयोग होते चले जाएंगे। तो इनके भी ये कर्त्री कैसे बन गया और दंडिनी कैसे बन गया इसको भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता दूं। हो सकता है मैं आज केवल ये अजाद्यतष्टाप वाले सूत्र में जो आयने वाले शब्द हैं उनकी व्याख्या कर पाऊँ या सिद्धि दे पाऊँ, बाद बाकी जितने बचेंगे इनमें से यहाँ तक मुख्य हैं, ठीक है ना। उसके बाद में तो इनकी एक व्यवस्था दी है वो उसके बारे में चर्चा की गई है। देखिए अब बात आती है उक तिश्च, इसको थोड़ा सा जान लो। उक इत चा ये तीन चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो उक से तात्पर्य क्या होता है? अगर हम आई ऊ रिल रख आ ई ऊ यहां से ले लेंगे आई ऊण, ठीक है ना, हलंत हो जाएगा बात खत्म। फिर बचेगा री रिक, तो री इसमें से आ जाएगा, री भी आ जाएगा। ये तीन जो वर्ण हैं यदि वो किसी के भी साथ लगे और इत संज्ञक हों, अर्थात इन तीनों में से प्रयोग किए जा रहे हों प्रातपदिक से या शब्द से और वो इत संज्ञक हों, तो चा चा कहता है तो उससे भी ङी प्रत्यय होता है, ठीक है। जैसे एक भवतु है, प्रातपदिक शब्द है भवतु, भवतु का जब प्रयोग किया जाता है तो ऊ जो है इत संज्ञक हो जाता है तो बन जाता है ये भवत, और भवत जब प्रयोग बन जाएगा तो स्त्रीलिंग में जब ङी प्रत्यय लगता है तो ये रूप बन जाता है भवती, ठीक है। इसके उदाहरण भरे पड़े हैं, इसके उदाहरण जितने भी देखे जाएंगे मैं बताऊंगा इनके उदाहरण सारे। आज केवल इनकी व्याख्याएं बता रहा हूं सूत्रों की, और इसको पूरा डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा एक ही सूत्र को, और इसका एक सिद्धि भी दूंगा, ठीक है। तो उक जिसके अंत में हो, उक का जिसका जिसके अंत में हो और उसकी इत संज्ञक हो जाए, अर्थात वो इत संज्ञक हो तो उससे भी ङी प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है वनोरचा, ऊपर वाले की तरह इसमें भी तीन शब्द हैं, इसका तात्पर्य है वनांत, वन जिनके अंत में हो, ऐसे प्रातपदिक या वन प्रत्यांत जो उतने भी शब्द हैं उनसे भी ङी प्रत्यय होता है, और ना का जो ना है इसमें ना का क्या बन जाता है? रा बन जाता है, ना का रा बन जाता है, ठीक है। जैसे धीवन शब्द है तो धीवरी, धीवन शब्द है इसके ना का क्या हो जाएगा? रा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा धीवरी ङी प्रत्यय लगने पर। कैसे होता है इसके जब प्रयोग करेंगे हम सिद्धि करेंगे तब समझ में आ जाएगा ये। तो वनो रचा से तात्पर्य क्या है? वनंत, वन अंत वाले शब्दों के साथ ङी प्रत्यय होता है और अंतिम जो ना है उसका रा हो जाता है, ठीक है। पाद अन्यतरस्यम, पाद जिनके साथ में हो, ऐसे शब्द जिनके साथ पाद का प्रयोग किया जा रहा हो
वहां नी प्रत्यय जो होता है वो विकल्प से होता है। किससे होता है? विकल्प से। अन्यत्र से हमका तात्पर्य होता है विकल्प से होता है। जैसे द्विपद है, द्विपात, ठीक है, ये प्रातपदिक है, इसमें एक तो विकल्प ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पाद शब्द लग रहा है, तो पाद शब्द से क्या करेंगे, अन्यत्र से हम विकल्प से हम गी प्रत्यय भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो जैसे ही हम गी प्रत्यय प्रयोग करेंगे बन जाएगा ये द्विपदी, ये सिद्धि हो गई। तो द्विपदी में कभी आ जाएगा कौन सा प्रत्यय है, तो हमको सूत्र याद रखना है पाद अन्यत्र से हम से, इसमें भी विकल्प से गी प्रत्यय का विधान किया गया है। ये सूत्रों की परिभाषा बता रहा हूं मैं अभी, अगर सूत्रों की परिभाषा भी याद हो जाती है, सिद्धि नहीं भी आती है, तो अभी कोई हर्जा नहीं है। अब ये कह रहा है कि टाप रिचि, टाप प्रत्यय होता है रिच यदि किसी के साथ में प्रयोग किया जाए, रिक या रिच, लेकिन ये वेद का विषय है, थोड़ा वेद में जाना पड़ता है, और इसको जब वेद वाली चीजें हैं सूत्र, क्योंकि अष्टाध्यायी जो है वैदिक और लौकिक दोनों शब्दों की व्याख्या करता है, तो हम वैदिक शब्दों को छोड़ दें ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वैदिक शब्दों में बड़ा ही टिपिकल मामला पड़ जाता है, या वेदों के शब्दों की बहुत समस्या उत्पन्न होती हैं, तो हम इसको ज़्यादा अधिक नहीं देखेंगे वेद से संबंध, इसका हमारे से लौकिक संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। अब अगला कह रहा है ये ना षट स्वस्त्रादिभ्य, यानी कि ना माने नहीं, स्वस्त्रादिभ्य का मतलब क्या होता है, षट और स्वस्त्र आदि, ये दो शब्द हैं। षट से मतलब क्या है, षट संज्ञा वाले जो शब्द होते हैं, यानी एक तरह से मान के चलिए शकारांत और नकारांत, ठीक है, लेकिन नकारांत ये वाले नकारांत नहीं है, ये नकारांत षट संज्ञक है। षट संज्ञक मतलब जो संख्याओं में ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पंचन शब्द है नकारांत है, और पंचन शब्द में न यानी कि ङी प्रत्यय नहीं होता, ठीक है, एक तो ये तात्पर्य हो गया, यानी कि षट संज्ञक शब्दों के साथ कभी भी ङी प्रत्यय नहीं होता। ऊपर से अभी तक इतने शब्द, ये जो सूत्र पढ़े थे हमने, उसमें समी ये दिखा रहे थे कि इनमें ङी प्रत्यय समी में होता है, लेकिन यहां से ना आ गया, अर्थात ना से तात्पर्य इनमें ङी प्रत्यय नहीं होता। स्वस्त्र आदि, इसमें भी ङी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, जैसे इसमें अगर लिखना चाहूं तो स्वस्त्र से तात्पर्य क्या है, स्वस्त्र आदि में वैसे तो सात शब्द आते हैं, इसलिए आदि शब्द का प्रयोग किया गया है, स्वस्त्र है, तिस्त्र है, चतस्त्र, ननांद्रि, यात्रि, मात्रि, एक और रह गया कोई, एक है दुहित्र, सातवां है दुहित्र, ठीक है। ये इन शब्द से भी, जो सात शब्द दे रखे हैं, इनसे भी कभी भी ङी प्रत्यय नहीं होता, ठीक है। जैसे ऋकारांत हैं, ये सब गौर से देखेंगे तो पता चलेगा हमको कि ये सब ऋकारांत हैं, तो ऊपर नकारांत मिला था पंचन वगैरह, और इसमें ये सब ऋकारांत है, तो हमको किस सूत्र से, ऋण्यव्योगी, इससे ङी प्रत्यय प्राप्त था, लेकिन जैसे ही हम ङी प्रत्यय है तो ये सूत्र बदलेगा, ना षट स्वसादिभ्य, यानी कि षट संज्ञक और स्वसादिभ्य स्वस्त्र आदि जो सात शब्द हैं उनसे कभी भी ङी प्रत्यय नहीं होता। अब ये बात कर रहे हैं मनहा, मनहा से तात्पर्य क्या है, मनहा से तात्पर्य समझ लिए थोड़ा सा, मनंत, मन अंत वाले जो शब्द हैं उनसे भी ङी प्रत्यय नहीं होता, जैसे सीमन है,
सीमन मन अंत वाला है तो सीमन शब्द नहीं होता, नहीं तो गड़बड़ हो जाती, तो सीम ही बनता ये, लेकिन शब्द क्या होता है सीमा, ठीक है। तो मन अंत वाला हो गया। अनुभवब्रीहि, अन अंत वाले बहुब्रीहि, इस बहुब्रीहि शब्द में बहुब्रीहि समास में प्रयोग होने वाले अन अंत से जो प्रयोग किए जाएं ऐसे शब्दों से भी नी प्रत्यय नहीं होता। फिर कह रहे हैं ये ढावुवाभ्याम अनित्रस्याम उभया, ये कह रहा उभाभ्याम यानी कि ऊपर जो मनंत और अनंत यानी अन अंत वाले मन अंत वाले दोनों से, दोनों शब्दों से कौन सा प्रत्यय होता, ढाप प्रत्यय प्रयोग किया जाता है, ये कह रहे हैं। लेकिन कैसे, उभय अनत्रस्याम ऊपर वाले दोनों शब्द हैं यदि वो आ जाते हैं तो उसे ढाप प्रत्यय प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो भी विकल्प से। ये इनकी सूत्रों की व्याख्या है, ये मैंने गण लिख दिए हैं, ये आजादी गण के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, ये मैंने बताई दिए आपको, ये अदंत हैं यानी कि वो वाले शब्द हैं पूरे। अब ये कुछ दो तीन वार्तिक हैं उनको थोड़ा सा समझते चलेंगे तो आगे फिर सही रहेगा। वार्तिक में कह रहे हैं समभस्त्र अजिन क्षण पांडेभ्यो फलात, यानी कि समभस्त्र अजिन क्षण पंड यानी पिंड, पिंडेभ्यो ये है ना, पिंड आदि शब्दों के साथ में, ये जो शब्द हैं उनके साथ में यदि फल शब्द लग जाए तो उसके साथ में भी टाप प्रत्यय का विधान किया गया है। ये इसी के साथ में है इसलिए मैंने यहाँ वार्तिकों को दर्शाया है कि टाप प्रत्ययों का विधान किसके साथ किया जाएगा। हम केवल आज विस्तृत रूप से इस सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सम धन फला, फल आ गया ना, तो सम फला टाप प्रत्यय लग जाएगा, वस्त्र धन फल, वस्त्र फला, क्षण फला, पिंड फला। ऐसे एक और वार्तिक है सद अच कांड प्रांत शतई के भ्य पुष्पात, यानी कि सद अंच धातु कांड प्रांत शत इनके साथ में यदि पुष्प शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसमें भी टाप प्रत्यय का विधान किया जाता है। जैसे सत पुष्पा, प्राक पुष्पा, प्रत्यक पुष्पा और कांड पुष्पा, तो ये इसमें पुष्पा पुष्प शब्द लग रहा है सभी में, तो जब भी ये शब्द आ जाए तो याद रखना है आपको कि इसमें टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। शुद्राचा महत्पूर्वा, शुद्राचा, शुद्रा शूद्र जो शब्द है उसमें शुद्रा जब स्त्रीलिंग की विवक्षा करनी होती है, ये विवक्षा के अर्थ में आते हैं, तो उसमें टाप प्रत्यय का विधान किया जाता है। लेकिन अमहत्व यानी महत्व शब्द के, महत्व शब्द का नहीं होना चाहिए उसके साथ, यदि महत्व शब्द होगा तो नीश प्रत्यय हो जाएगा, तो शूद्रा और यदि महत्व शब्द लग जाता है तो नीश प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही इसमें कुछ और भी शब्द हैं जैसे मध्यमा है, कनिष्ठा है, ज्येष्ठा है, इन सभी से टाप प्रत्यय का विधान किया गया है। एक सूत्र वार्तिक और है, मैंने ऊपर लिख दिया नीचे की जगह नहीं थी, मूलान नय, यानी कि मूल शब्द के साथ नय शब्द के साथ, नय के साथ में मूल शब्द का प्रयोग किया जाए, ठीक है, तो उससे भी टाप प्रत्यय का विधान किया जाता है। जैसे मूल शब्द है, मूल में अ लग गया, अमूल होना चाहिए, उसमें जब स्त्रीलिंग की विवक्षा होगी तो इसमें टाप प्रत्यय का विधान करके अमूला ये सूत्र का ये शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो ये पूरा विस्तृत में मैंने 12-13 सूत्रों तक आपको समझाने का प्रयास किया है, और मैं आपको एक शब्द की व्याख्या या सिद्धि करके बता देता हूँ जिससे कि आपको दिमाग में बैठ जाए सही से ये रूप बनते कैसे, ये शब्द बने कैसे, ठीक है। एक शब्द ले लेते हैं, वो इनकी अब कोई मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, और इतना समय है अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बोला भी है मैंने इसको सही से। ये सूत्रों की व्याख्या इतनी ही है, कोशिश की है मैंने सूत्रों की व्याख्या सही से हो जाए, ठीक है। बाकी सूत्रों से जितने भी शब्द हैं उनकी सिद्धि हम आने वाले समय में देखेंगे, आज बहुत सरल शब्द की सिद्धि देखेंगे। आज हम अजा शब्द है इसकी सिद्धि देखने का प्रयास करेंगे कि यह अजा शब्द बना कैसे, ठीक है।
तो हमको याद रखना है कि जो भी शब्द होते हैं वो प्रातपदिक, उसका हमको पता होना चाहिए, अन्यथा की दृष्टि में हम कोई भी सिद्धि नहीं कर पाते। सिद्धि से तात्पर्य क्या होता है कि पहले हमको मूल शब्द जरूर पता होना चाहिए। और यदि मूल शब्द नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो अज इसका मूल शब्द है, या इसको प्रातपदिक भी बोल सकते हैं। तो अज हमको पता है, तो एक सूत्र लगता है इसमें। सबसे पहले जो हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले जो है स्त्रियाम, ये सूत्र कहता है कि जितने भी प्रातपदिक हैं आगे आने वाले समय में, जो जो जिन प्रातपदिकों से सूत्रों का विधान किया जाएगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए, तो पहले उसको अपने अधिकार में लेना पड़ेगा। जब तक हमारे अधिकार में नहीं आएंगी चीज़ें, इसीलिए अधिकार सूत्रों का प्रयोग किया गया। अधिकार में नहीं आती तो उसमें काम नहीं कर सकते। मेरा जितना अधिकार है मैं उतने ही क्षेत्र में काम कर पाऊंगा। तो स्त्रियाम स्त्री प्रकरण के क्षेत्र का अधिकारी होता है। तो इस सूत्र से इस अज को अपने अधिकार में ले लेता है। अब स्त्रियाम सूत्र से ये अधिकार में आ गया स्त्री प्रकरण के में। अब इससे हम स्त्री प्रत्ययों का विधान कर सकते हैं। तो दूसरा सूत्र हमको यही याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको ये गण है उसके हिसाब से अज आदि किस में आता है, तो ये बड़ा दिमाग की जरूरत है। दोनों चीजें, गण भी आने चाहिए और शब्द भी आने चाहिए, तब चीजें समझ में आती हैं। तो प्रयोग हो जाएगा ये अजाद्यतष्टाप, ठीक है, ये इसमें प्रयोग कर लेंगे। तो इसमें अज धन टाप ये प्रत्यय हो गया, यानी अजादी से, ये कहता है कि अजादी से टाप प्रत्यय होता है, तो टाप प्रत्यय हो गया। अब अगला जो सूत्र लगेगा पहला, क्योंकि हमको टाप का पूरा ज्यों की तो नहीं लेना है, हमको केवल क्या बनाना है, हमको ये बनाना है अजा। तो अज हमारे पास है, हमको दीर्घ आ की आवश्यकता है, आ मिल जाए या दीर्घ आ मिल जाए उसके बाद में हमारा काम चल जाएगा। तो इनको सबको हटा देना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहला सूत्र आएगा हलंत्यम। हलंत्यम से पाकीत संज्ञा हो जाएगी। दूसरा सूत्र आएगा चुटु। चुटु से टाकी हित संज्ञा हो जाएगी। और तीसरा आएगा तस्लोपा, उन दोनों का लोप हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? अजधन आ, ठीक है। अजधन आ बचते ही एक सूत्र लग जाएगा, हमको पता ही है, अकहा सवर्णे दीर्घ। इसलिए संधियां पढ़ाई जाती हैं शुरू में ही, उसको पता हो जाना चाहिए कि आ के बाद में यदि आ आए तो कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाएगा, अकहा सवर्णे दीर्घ। उससे क्या बन जाएगा? अजा शब्द बन जाएगा। अब अजा हमारे पास प्रातपदिक शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, प्रातपदिक है, लेकिन यदि उसको संस्कृत में व्यवहार में लाना है तो हमको इसको पद बनाना पड़ेगा। तो पद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पता है सुप्तिगंतम पदम, यानी सुप प्रत्यय या तिंग प्रत्यय लगाना पड़ेगा। शब्द है इसलिए इसमें सुप प्रत्ययों का विधान करते हैं। यदि क्रिया शब्द होता, क्रिया होता तो उसमें तिंग का प्रयोग किया जाता। तो अभी ये प्रातपदिक है, तो प्रातपदिक से सुप्रत्यय का विधान करने के लिए हमको अब इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ये सूत्र कहता है ज्ञाप प्रातिपदिकात, ठीक है। ये सूत्र कहता है कि नी और आप, देखिए इस सूत्र की व्याख्या बताऊं, नी आप प्रातिपदिकात। नी से क्या तात्पर्य होता है? नीप, नीश, नीन, ये तीन प्रत्यय। आप से टाप, ढाप, चाप, इन दोनों से, यानी कि छह प्रत्ययों से और प्रातपदिक, इनसे आने वाले जो सूत्र हैं उनसे जो प्रत्यय का विधान किया जाएगा तो वो इन तीनों से ही होगा। ये नीप और आप और प्रातपदिक, इन तीनों से आगे प्रत्ययों का विधान किया गया। ये अधिकार कहता है, ये अधिकार सूत्र इस बात को कहता है। तो अपने अधिकार में लिखते ही ये हमको पता है कि आप प्रत्यांत शब्द है, यानी कि टाप प्रत्यय इसमें पहले से लगा हुआ है, इसलिए इसके अधिकार में आ जाता है। इसमें के अधिकार में आते ही आगे जितने भी सूत्र हैं वो सब उससे प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं अगला वाला सूत्र जो है स्वउजस अम औसष टाभ्याम भेष गेभ्याम भेष वाला। तो ये बन जाएगा हमारा
अजाधनसु। ठीक है, अब सु से हम क्या पता है हमको उपदेश अजनुनास का, इत से इत संज्ञा हो जाती है तो बन जाता है ये, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, सूत्र याद रखना सा। अब सा को भी हमको यहाँ से लुप्त करना है, क्योंकि हमको स्त्रीलिंग में पता है हमको विसर्ग नहीं होते हैं, और जब विसर्ग होते तो कुछ और व्यवस्था होती, विसर्ग नहीं होती तो सा को भी यहाँ से हटाना पड़ता है। तो एक और सूत्र लग जाता है इसमें, हल्या हल्या माभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल, ये हल्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल, ये सूत्र लगते ही ये कहता है कि जो अप्रक्त सा है उसका लोप हो जाता है। तो अप्रक्त ये सा है, अप्रक्त संज्ञा किसकी होती है वो मैंने संज्ञा प्रकरण में बड़े अच्छे समझा है, संज्ञा प्रकरण जाकर के देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, वहाँ अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संज्ञा प्रकरण में सभी में प्रयोग होता है। तो हमारे पास जो बचेगा शब्द वो अजा बचेगा, और यही हमको सिद्ध करना था। तीन चार इसमें सूत्र लगे हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं, और मैंने ये कोशिश की है कि आपको ये सही से समझ में आ जाए, आशा है ये बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा आपके। इसको याद रखना है, बिना इसके आप इसको प्रातपदिक नहीं बना सकते, ये सूत्र बहुत अनिवार्य है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।